अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन। वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने स्मारक को भी बनाया निशाना। व्हाइट हाउस तक पहुंची अश्वेतों की उग्र प्रदर्शनों की आंच। प्रदर्शन के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जाया गया बंकर में। हालात पर काबू पाने के लिए बंकर से बाहर आए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में हिंसात्मक स्थिति को देखते हुए दो शहरों में लगाया गया आपातकाल। नैशविले और जॉर्जिया में आपात स्थिति लागू कर सुरक्षा के लिए तैनात किए नेशनल गार्ड। 12 से अधिक प्रमुख शहरों में हालात गंभीर। जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के दो अफसर। भारत ने देश छोड़ने का दिया आदेश। वहीं दोनों आरोपियों को किया पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित। भारत के एक्शन से तिलमिलाया पाकिस्तान। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी को भेजा समन। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान ने जताया विरोध। भारत के आरोपों को पाक ने बताया निराधार। पाकिस्तान के रास्ते नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी नौशेरा में ढेर। एलओसी से सटे तमाम इलाकों में हाई अलर्ट। सेना ने फॉरवर्ड इलाकों में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। 28 मई को मूवमेंट की गई थी ट्रेस। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी। कोरोना से 62 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित तो 3,73,000 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान। 28 लाख से ज्यादा संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,90,000 के पार। तो अब तक 5,394 संक्रमितों की हुई मौत। वहीं 91,000 से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। अनलॉक 1 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता में दी बैठकों के निर्णयों की जानकारी। किसानों और एमएसएमई को लेकर लिए गए कई अहम फैसले। मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका। एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की। एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपये की गई। भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को किया संशोधित। किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बड़ी बढ़ोतरी। मक्का के समर्थन मूल्य में की 53% की बढ़ोतरी तो तुअर और मूंग में की 58% की बढ़ोतरी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान। 12 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप किया डाउनलोड। पीएम मोदी ने कहा कोरोना से लड़ाई में मिलेगा फायदा। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने किया मेडिकल छात्रों को संबोधित। कहा देश के डॉक्टरों पर दुनिया की नजर। विश्व युद्ध के बाद बताया कोरोना वैश्विक महामारी को सबसे बड़ा संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ हैं असली सैनिक। इनकी लड़ाई नहीं दिखने वाले हैं वायरस से। पीएम ने कहा कोरोना योद्धाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे बर्दाश्त। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना के चलते 1 हफ्ते के लिए दिल्ली बॉर्डर सील। कहा अनलॉक 1 में खुलेगी सारी दुकानें। केवल कोरोना कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती। पैरा मिलिट्री फोर्स में आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा एक और कदम। फोर्स ने 1,000 विदेशी उत्पादों पर लगाई पाबंदी। इसकी जगह कैंटीन में अब स्वदेशी सामान का होगा इस्तेमाल। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण चरम पर देश में बेरोजगारी। लॉकडाउन में ढील के बावजूद मई में बेरोजगारी की दर 23.48% की। राजस्थान में कोरोना संक्रमण पकड़ रहा है रफ्तार। आज 149 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 8,980 के पार। देश में आज से पटरियों पर फिर दौड़ी 200 ट्रेनें। अब तक करीब 1.5 लाख लोगों ने किए टिकट बुक। तो वहीं रेलवे का अनुमान अकेले जून माह में कम से कम 26 लाख लोग इन ट्रेनों में करेंगे सफर। वहीं ट्रेनों को धीरे धीरे ट्रैक पर लाने की कोशिशों में जुटा भारतीय रेलवे। आज से चल रही ट्रेनों में अब 9 एसी कोच भी किए शामिल। आज से देश में नई गाइडलाइन से शेयर बाजार में रौनक। आज सुबह 481 अंकों के उछाल के साथ खुला बीएससी। ट्रेडिंग के दौरान 1,249 अंक तक की उछाल पर पहुंचा शेयर बाजार। वहीं निफ्टी ने भी कारोबार के दौरान लगाई 351 अंकों की उछाल। भारत के भावुक जैन ने ढूंढी एप्पल में बड़ी खामी। एप्पल ने दिया 75.5 लाख का इनाम। लॉन्ग इन्वेस्ट सिस्टम में पाई गई खामी।
फोन से चीन के ऐप को हटाने वाले ऐप भारत में हुआ पॉपुलर। दो हफ्ते से कम समय में 10 लाख लोगों ने किया डाउनलोड। जयपुर बेस्ड एक स्टार्टअप ने किया था ये ऐप लॉन्च। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई भाजपा नेता पुलिस हिरासत में। लॉकडाउन के उल्लंघन पर लगा आरोप। राजघाट पर कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। तिवारी ने किया लॉकडाउन तोड़ने की बात को सिरे से खारिज। देश में सादगी से मनाया गया गंगा दशमी का पर्व। आज ही के दिन स्वर्ग से धरती पर हुआ था गंगा का अवतरण। महज 20 लोगों की मौजूदगी में मनाया उत्सव। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को धरती पर अवतरित हुई थी देव नदी गंगा। उद्गम स्थल गंगोत्री में इसे कहते हैं भागीरथी। गौमुख गंगोत्री से निकली गंगा कई राज्यों और शहरों से गुजरती हुई पश्चिम बंगाल में गंगा सागर पर समुद्र में होती है समाहित। केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक। बारिश के बीच राज्य के तिरुवनंतपुरम कोल्लम कन्नूर समेत 9 जिलों में येलो अलर्ट। केरल के ज्यादातर इलाकों में हुई भारी बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान का हुआ निधन। वर्सोवा के कब्रिस्तान में किए गए सुपुर्द खाक। बॉलीवुड इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर। कोरोना और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे वाजिद। राजगढ़ एसएचओ विष्णुदत्त विष्णुई आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री आवास पर विष्णुई समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की मुलाकात। सीएम ने समाज के प्रतिनिधियों से 2 दिन का मांगा समय। जयपुर में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने किया सरेंडर। मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में किया सरेंडर। खान घुसकांड मामले में जनवरी 2019 से चल रहे थे फरार। चूरू के सुजानगढ़ में दर्दनाक हादसा। ट्रेलर और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की हुई मौत। बच्चे का इलाज कराने चिचोड़े ली जा रहे थे सभी लोग। प्रदेश में पुलिसकर्मियों का आत्महत्या का सिलसिला जारी। जैसलमेर के पोखरण में पुलिस कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। कांस्टेबल मायराम पावर ग्रिड कंपनी में गार्ड के रूप में था तैनात। यूपी के रामपुर निवासी कोरोना संक्रमित मासूम की दिल्ली एम्स में मौत। माँ बाप शव को अस्पताल में छोड़कर भागे। रामपुर प्रशासन ने आनन फानन में बच्चे के माँ बाप को किया क्वारंटाइन। माँ बाप की सहमति के बाद एम्स प्रबंधन ने मासूम बच्चे का किया अंतिम संस्कार। अलीगढ़ में दिन दहाड़े एलआईसी कर्मचारी से 22.70 लाख की लूट। गार्ड ने की फायरिंग की तो बदमाशों ने भी की गोलीबारी। इस मामले में 4 लोग घायल हुए हैं। मथुरा की यमुना नदी में डूबी किशोरी की तलाश जारी। गंगा दशहरा पर्व पर यमुना नदी में नहाने आई थी किशोरी। पुलिस प्रशासन गोताखोर लगे तलाश में। तुरीर थाना क्षेत्र के अहवा की बताई जारी है किशोरी। सीकर के फतेहपुर में भाजुमो कार्यकर्ताओं ने लगाया रक्तदान शिविर। स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीकर के दांता कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन सतर्क। एवन टीवी की खबर का नजर आया असर। वार्ड नंबर 27 के क्वारंटाइन सेंटर पर करवाया सैनिटाइजर का छिड़काव। पाली के बाली में एसडीएम श्री निधि बीटी ने सफाई कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। कहा कोरोना महामारी में सफाई कर्मचारियों ने दिया अहम योगदान। सम्मान पत्र देकर कर्मचारियों का किया सम्मान। देशभर में वन नेशन वन राशन कार्ड किया लागू। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया योजना का शुभारंभ। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को मिली राहत। देशभर में घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर हुए महंगे। नॉन सब्सिडी घरेलू सिलेंडर 11.50 रुपये हुआ महंगा। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 110.50 रुपये हुआ महंगा। लॉकडाउन के बाद गुलाबी नगरी फिर हुई गुलजार। राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद खुले परकोटे के बाजार। 71 दिन बाद बाजारों में लौटी रौनक। प्रदेश भर में सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अनलॉक वन शुरू। सैलानियों के लिए खुले सभी राजकीय संग्रहालय स्मारक पर्यटन स्थल नेशनल पार्क। पर्यटन स्थलों पर पहले दिन संगीत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नियमित सेवाएं शुरू। अन्य मरीजों के लिए ओपीडी हुई शुरू। कोरोना मरीजों को किया गया आरयूएचएस में शिफ्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले मरीजों को दी प्राथमिकता। प्रदेश में भी बिजली बिल माफी की उठी मांग। जोधपुर में बिजली बिल माफी संघर्ष समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देने वाले सभी युवकों ने चेहरे पर प्रियंका गांधी का लगाया मास्क। युवाओं ने कहा बिजली बिल माफी की मांग कर प्रियंका गांधी बनी आम आदमी की नेता। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी जारी। प्रदेश में बिजली बिल माफ करने की उठी मांग। सीकर के अजीतगढ़ में माकपा के नेतृत्व में बिजली कार्यालय पर दिया धरना। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 अलग अलग कार्रवाई में 230 किलो से अधिक अफीम जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आकी जा रही है करोड़ों रुपए की कीमत।
अजमेर में ख्वाजा की दरगाह को 21,000 चिराग जलाकर किया रोशन, कोरोना महामारी के खात्मे की मांगी दुआ। वहीं चिश्तिया मिशन की ओर से दरगाह में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बारा में कोरोना संक्रमण ने तेजी से पसारे पांव, जिले में आज 27 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई बढ़कर 42। सीकर के दातारामगढ़ में कोरोना का बढ़ता जा रहा है कहर, सोमवार को 2 और मामले सामने आए, चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, प्रभावित इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। बांदीकुई के बसवा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन सतर्क, एसडीएम पिंकी मीणा, तहसीलदार ओम प्रकाश, थाना अधिकारी ने लिया जायजा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन, काली पट्टी बांध कर जताया विरोध, सरकार से की वेतन बढ़ाने की मांग, जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शिवगंज में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान, गोसेवा विद्या मिशन की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और समाज सेवकों का किया गया सम्मानित, समारोह में उपखंड अधिकारी समेत कई लोग रहे मौजूद। खबर भरतपुर के बयाना से, जहां पर तंबाकू से बने उत्पादों की हो रही कालाबाजारी, मोटी रकम कमाने के चक्कर में दुकानदार धड़ल्ले से बेच रहे हैं माल, प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। बाड़मेर के समदड़ी में विधायक हमीर सिंह भायल के नेतृत्व में सीएम और ऊर्जा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, कहा बिजली बिल का पूरा भुगतान करने के बावजूद विभाग ने वसूली का दिया नोटिस, किसानों ने की 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग। बूंदी में तालेड़ा बाईपास के पास हुई चाकूबाजी का आरोपी गिरफ्तार, शनिवार को मोहित सैनी पर किया था जानलेवा हमला, हमलावर पतन सक्सेना गिरफ्तार। लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने नरेगा योजनाओं को लेकर ली बैठक, अधिकारियों से लिया गया फीडबैक, जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले रोजगार सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 2 महीने बाद पटरी पर दौड़ी ट्रेन, जयपुर जोधपुर इंटरसिटी से पहुंचे यात्रियों ने जाहिर की खुशी, जोधपुर स्टेशन पर की गई थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था। कोरोना महामारी की मार से भीलवाड़ा का कोई क्षेत्र छूता नहीं रहा, टेंट लाइट डेकोरेशन और डीजे साउंड व्यापारियों ने सरकार से की मांग, व्यापारियों ने प्रशासन से उनके व्यवसाय चालू करने की मांगी अनुमति। अजमेर के सरवार सब्जी मंडी में दिन दहाड़े चली गोली फायरिंग में एक युवक हुआ घायल, वहीं गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार। बांसवाड़ा में जानवरों के लिए पानी की टंकियां लगाई गई हैं, जिला विधिक सेवा सहायता के सचिव देवेंद्र सिंह भाटी ने अभियान की शुरुआत की, हर वार्ड में मवेशियों के लिए पानी की टंकियां लगाई जाएंगी। प्रदेश के राजस्व गांव में 2-2 सेवाभावी स्वास्थ्य मित्र होंगे चयनित, एक महिला और एक पुरुष का होगा चयन, मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। बांसवाड़ा में संविदा सहायक रेडियोग्राफर ने जताई नाराजगी, सरकार से लगाई गुहार, जिले भर में सभी पद रिक्त पड़े हैं, सरकारी नौकरी में किया जाए समायोजन। करौली में कलेक्ट्रेट पर रोडकला गांव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप, कहा पीएम आवास योजना की सूची में उच्च श्रेणी के लोगों को किया शामिल, कलेक्टर से शीघ्र जांच की मांग की।